यार, अगर हम सुपर हीरोज की बात करें तो अमेरिका में मोस्टली सुपर हीरोज मार्वल और डीसी से आते हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट सुपर हीरोज भी होते हैं। जापान में सुपर हीरोज मांगा से आते हैं, और अदर कंट्रीज में सुपर हीरो कहीं ना कहीं से तो आते ही हैं। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे सुपर हीरोज हैं, जैसे क्रिश, मिन्नल मुरली, जीवन, शक्तिमान, नागराज, डोगा, परमाणु, कलिंग, ओमेगा गर्ल, ब्लू आई, सुपर कोप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इंडियन कॉमिक्स के सुपर हीरोज तो लाइव एक्शन में कभी नहीं आ सके। लेकिन ऐसे ऐसे सुपर हीरोज लाइव एक्शन में आ गए जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं थी। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टॉप 5 ऐसे सुपर हीरोज की जो कि हमें दिखाई दिए थे किसी ना किसी टीवी एड्स में। हाँ भाई, प्रोड्यूसर्स के पास मूवी बनाने का बजट नहीं होता, इसलिए ये एड्स से ही काम चला लेते हैं। नंबर 5 पर है विजय देवरकोंडा, जिन्हें आप अर्जुन रेड्डी मूवी से जानते होंगे, और हाल ही में उन्होंने लाइगर मूवी देखकर हम सबका मूड भी खराब किया है। तो चार्जर नाम के एक एनर्जी ड्रिंक के एड में इन्होंने सस्ते थोर का रोल किया है। हाँ पता है आप लोगों को घंटा विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये मेरे को थोर जैसा ही लग रहा है। और अगर आपको ये कोई दूसरा सुपर हीरो लग रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी नंबर 4 पे जो दीदी है, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन इन्हें देख के सस्ती ब्लैक विडो की फीलिंग आ रही है। और ये दीदी हमें दिखी थी काला हिट के एक एड में, जहां अपने सास से बचने के लिए दीदी साक्षात ब्लैक विडो बन जाती है। कुछ माहौल बिगाड़ सकता है, इसीलिए इस्तेमाल करो लाल हिट, ये छुपे कॉकरोचों को मार गिरा है। और इन दीदी के बाद नंबर 3 पर है पापा की परी आलिया भट्ट, जिन्होंने एक चॉकलेट के एड में फ्लाइंग गर्ल का रोल किया है, और इन्हें बाकी सुपर हीरो से डिफरेंट बनाता है इनका पावर सोर्स, जो कि है चॉकलेट। चॉकलेट खाने के बाद ये दीदी उड़ने लग जाती है। इसे देखने के बाद तो सुपरमैन डिप्रेशन में चला गया होगा। और आलिया भट्ट के बाद नंबर 2 पर है रणवीर सिंह, जो कि चिंग सेजवान चटनी के एक एड में स्पेस बॉय बने हैं, और हाँ ये एस्ट्रॉइड से दुनिया को बचाते भी हैं, और इनका पावर सोर्स भी ये चटनी है, जिसे चाटने के बाद इनके पिछवाड़े से आग निकलती है और ये उड़ने लग जाते हैं। वैसे मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट हल्क से उठाया गया है। तो फाइनली हम नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा ही अंडभंड कंटेंट अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर है हमारे और आपके सबके फेवरेट अक्षय कुमार सर, जो कि अगेन एक एनर्जी ड्रिंक स्टिंग के एड में द फ्लैश बने हैं। जी हाँ, लिटरली द फ्लैश। यार डीसी का फ्लैश बिल्कुल पागल है, जबरदस्ती बिजली के झटके लगाता फिरता है। उससे अच्छा तो एक स्टिंग खरीद के पी ले, 20 रुपए की तो आती है। देखो स्टिंग पीते ही हमारे अक्षय कुमार भैया फ्लैश की तरह इतनी तेज बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि लड़की को इम्प्रेस जो करना था। यहाँ से फोटो ले लूँ, अच्छी है। लेकिन मैं आपको ऐसे घटिया सलाह नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया कि स्टिंग और चार्जर जैसे एनर्जी ड्रिंक में भर भर के केमिकल का यूज होता है, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है।